पंतनगर थाना क्षेत्र में भाजपा नेता संदीप कार्के की हत्या के मामले ने पूरे उधमसिंह नगर जिले में सनसनी मचा दी। 14 मई को खनन के चलते ललित मेहता और भाजपा नेता संदीप कार्के के बीच विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि ललित मेहता ने संदीप को गोली मार कर हत्या कर दी। दोनों बचपन के दोस्त बताए जाते हैं। इसके बाद से आरोपी के पिता मोहन सिंह मेहता, ललित मेहता और दीपक उर्फ दीपू मेहता फरार चल रहे थे। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने पिता और दोनों बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें पकड़ने के लिए टीम का गठन किया। इस बीच पुलिस ने क्षेत्र में भारी फोर्स तैनात कर दी थी। मामला अवैध खनन से जुड़ा था तो एसएसपी के निर्देश पर आरोपितों के सभी वाहनों को सीज किया गया। पुलिस ने आरोपी ललित मेहता, दीपक मेहता और उनके पिता मोहन मेहता को लालकुआ किच्छा रोड नगला बाईपास से गिरफ्तार किया गया। आरोपी ललित मेहता की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त अवैध पिस्टल और खोखा सहित क्रेटा कार भी बरामद कर ली गई है। पुलिस आरोपियों के भवनों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने कहा है कि अवैध खनन में वर्चस्व को लेकर भाजपा नेता की गोली मार कर हत्या करने वाले मुख्य आरोपी सहित उसके पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों भाइयों पर पूर्व में भी मुकदमे दर्ज हैं। दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी। साथ ही अवैध खनन से अर्जित संपत्ति की जाँच कर जब्त की जाएगी। दिनांक 14 तारीख को जो अर्ली मॉर्निंग जो मर्डर हुआ था संदीप काके का, खनन का पट्टे को लेकर और भराई को लेकर जो विवाद हुआ था उसके चलते हुए ललित मेहता ने गोली मार के संदीप काके की हत्या करी थी और उसके बाद तुरंत फरार हो गया था। उसके संबंध में FIR पंजीकरण हुआ था, उसमें 3 लोग नामजद अभियुक्त थे। आज जो है एक बहुत अच्छा उपलब्धि हो गया कि सभी 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुका है। कल देर रात तक जो है दोनों अभियुक्त, मुख्य आरोपी जिसने गोली मारा ललित मेहता उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और उसकी फादर मोहन मेहता का भी हो चुका है। आज दोपहर को दीपू मेहता का भी गिरफ्तारी हो चुका है। उन्होंने सारा घटना को कबूल लिया है और ललित मेहता की निशानदेही पर पिस्तल का और जिस गाड़ी में भागा था क्रेटा वो सब बरामदगी हो चुका है। और आगे के लिए ललित मेहता और दीपू मेहता दोनों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और समस्त संपत्ति जब्तीकरण जो अवैध खनन की वजह से इन्होंने कमाया है वो सब कार्रवाई की जाएगी। इनके ऊपर पहले से ही ललित और दीपू पे एक एक मुकदमा पुराना है, ललित पे 2 और पुराना मुकदमे हैं, तो कुल मिला के 1 कॉमन मुकदमा भी है और इसको भी मिला के 3 मुकदमा हो जाएंगे, तो गैंगस्टर के लिए पर्याप्त है। और संपत्ति चिन्हीकरण की कार्रवाई करा जा रहा है कि SP सिटी इसका नेतृत्व करेंगे, संपत्ति चिन्हीकरण और जब्तीकरण की कार्रवाई ये किया जाएगा।